हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है CGN एनिमेशन। मैं आपका दोस्त दमन त्रिपाठी, मैं आज आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का पार्टीशन कैसे किया जाता है। ये अभी आप मेरे पास मेरे इस कंप्यूटर में चार हार्ड डिस्क देख रहे हैं, यानी कि हार्ड डिस्क का मैंने चार पार्ट में पार्टीशन कर रखा हुआ है। अब मैं चाहूँ कि इस वाले पार्टीशन का मैं एक और नया पार्टीशन क्रिएट कर लूँ, न्यू वॉल्यूम क्रिएट करूँ, तो वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप हमारे वीडियो पे बने रहिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, अपने कंप्यूटर के आइकन पे जाएंगे और राइट क्लिक करके इस मैनेज वाले ऑप्शन को खोलना है आपको। ये देखिए मैनेज का ऑप्शन खुल गया। अब आपको इसमें कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आपको यहाँ स्टोरेज के डिस्क मैनेजमेंट में जाना होगा। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं ये आपका खुल के आ गया। अब इसमें मैं आपको चार दिख रहे होंगे, ये आपका सी ड्राइव है, ये आपका डी है, ये ई है और ये एफ है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इस एफ वाले पार्टीशन से कुछ नया एक वॉल्यूम क्रिएट करूं तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है श्रिंक एंड श्रिंक वॉल्यूम का, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा समय लेगा। अब ये आपसे पूछ रहा है इंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB। इसमें आपको MB में डालना है कि आप कितना पार्ट चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, GB यानी गीगाबाइट में आपको करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ करके यहाँ से निकालना है, यानी कि ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 233 GB का पूरा सेटअप है, इसमें आपसे निकालना है। तो इसमें मैं डाल रहा हूँ कि मुझे यहाँ से 100 GB की एक नई डिस्क चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 100 GB, यानी कि ये आप देख लीजिए, सॉरी ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने 100 GB डाल रखा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से श्रिंक वाले वॉल्यूम पे, श्रिंक वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस जैसा सेटअप दिखने लगेगा, यानी कि ये बन के आने लगेगा। अब आप अपने कंप्यूटर पे अगर जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि आपकी हार्ड डिस्क में से जो चौथा पार्ट है, इसमें से हालांकि अभी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ से एक बार रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो वॉल्यूम है वो 145 GB बचा। वो जो नया वॉल्यूम हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है, तो उसका रीज़न ये है, उसको हमें यहाँ से जाके न्यू सेटअप करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक आप करेंगे यहाँ पे और न्यू सिंपल वॉल्यूम पे आपको फिर से क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से आपकी 100 GB की एक नई वॉल्यूम बन गई है, यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। अभी आपको से नेम पूछ रहा है, यानी कि इस डिस्क का आप नाम क्या रखना चाहते हैं, एच या अदरवाइज जो आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से कंप्यूटर के हिसाब से मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली एच आ रहा है। अभी आप यहाँ से मैनुअल इन द फॉलोइंग बटी NTFS फोल्डर, यानी इसका भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। डू नॉट असाइन द ड्राइवर ऑफ और ड्राइवर पाथ, इसका भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पे एक नई वॉल्यूम क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन का यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे दोबारा से नेक्स्ट कर लीजिए डिफ़ॉल्ट, या आप यहाँ से चाहें तो अपनी वॉल्यूम का नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, यानी कि यहाँ सपोज दैट मैंने अपना नाम डाल दिया, यहाँ आप नाम डाल सकते हैं, यहाँ मैंने अपना नाम डाल दिया। अभी आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देगा, इस नाम से है, फाइल सिस्टम है, और आपको यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक नई वॉल्यूम एच की बन गई। अब आप अपने कंप्यूटर पे जाके देख सकते हैं, जो मैंने एच नाम की बनाई थी ड्राइव, वो यहाँ पे बन के क्रिएट हो गई। ये रमन नाम की जो एच नाम की फाइल है, एच डिवाइडेशन जो हुआ है वो एच पे हुआ है,
ये आपकी नई वॉल्यूम बन गई। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर पे जाके किसी ड्राइव का पार्टीशन कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, इस पर राइट क्लिक करना है। इसके बाद ये श्रिंक वॉल्यूम के नीचे एक डिलीट वॉल्यूम का ऑप्शन आता है, आप डिलीट वॉल्यूम का यूज़ करके यहाँ से आप जैसे यस करेंगे तो आपकी पुरानी वॉल्यूम डिलीट हो गई। अब दोस्तों इसको आप अगर इसमें मर्ज करना चाहते हैं, इन दोनों को एक साथ लाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहला काम करेंगे इसको भी आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस ड्राइव में अपने कुछ रखा हुआ है, जैसे कि मैंने अपनी डी ड्राइव में, मैं अपने पीसी पे जाता हूँ कंप्यूटर पे, तो मैंने अपने एफ वाली ड्राइव में काफ़ी सारे आइटम रखे हुए हैं। तो अगर आपको दोबारा से मर्ज करना है उस वाली ड्राइव को, यानी एच वाली ड्राइव जो आपने अभी बनाई थी उसको दोबारा से एफ वाली ड्राइव में मर्ज करना है, तो आपको इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। और डिलीट करने से पहले आपको इस वाली ड्राइव का सारा डेटा उठा करके इसमें डालना है, क्योंकि एक बार दोस्तों अगर आपने इस ड्राइव का आपने डाट इसको आपने डिलीट किया, तो जो इसके अंदर आपका डेटा होगा वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो आपको वो नहीं करना है, सबसे पहले कॉपी यहाँ से कट करके इसमें पेस्ट करना है, उसके बाद जा करके यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो आपकी फिर से एक नई वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद फिर से आपको, जैसे मैंने इसमें राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम किया था, वैसे आप करेंगे तो आपका जो पुराना वाला स्पेस था एक ड्राइव का, वो फिर से क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।